बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति में इशारा करती उंगली का क्या अर्थ है? आइए समझें, आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? तो आइए जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा। लड़के ने कहा, पिताजी बाबा साहेब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? पिताजी ने कहा, बेटा क्योंकि बाबा साहेब ने बचपन में ही वो कड़वी यातनाएं झेली थीं, जो आज का कोई भी व्यक्ति नहीं झेल सकता है। जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए भी किसी सवर्ण जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। उस समय अपने देश भारत की यह स्थिति थी। बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप देकर पढ़ने के लिए विदेश भेजा। जब वे पढ़ लिखकर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी जैसी बाबा साहब छोड़कर गए थे, क्योंकि बाबा साहब को लगता था कि देश के अछूतों को आजादी से कहीं ज्यादा समानता की आवश्यकता है। तब जाकर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने, यदि मैं सूट बूट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। लड़के ने लड़का, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूंगा। फिर लड़के ने पूछा, अच्छा पिताजी बाबा साहब की जेब में हमेशा पैन अर्थात कमल क्यों रहता था? इस पर लड़के के पिताजी ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा, कलम होने का मतलब है शिक्षित होना ही सबसे जरूरी काम है। अरे वो सिर्फ कलम नहीं है बल्कि पीड़ितों शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहेब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। लड़के ने लड़का, पिताजी मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का आगे अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं, बाबा साहब उंगली का इशारा क्यों करते थे? आखिर इसकी क्या वजह थी और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बेटा उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान है। इस संविधान से भारत देश चलता है और यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है। इतना जातिवाद होने के बावजूद भी हमारे बाबा साहब ने हार नहीं मानी, वो लड़ते रहे और अंत में ऐसा संविधान बना दिया। न कभी ऐसा बना और ना ही कभी ऐसा बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत का है और बेटा मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं इस भारत देश का निवासी हूं। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता को बल मिलता है। और हां बेटा, उंगली के इशारे का मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ पहले इस संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। लड़का कहता है अपने पिता से, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहेब के विचारों पर चलूंगा और इस देश का शासनकर्ता बनकर बहुत आगे ले जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहेब ने कहा है मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहेब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।